अब मुफ्त में नहीं देख सकेंगे आईपीएल 2023। एक मैच के लिए देने होंगे इतने पैसे। आईपीएल 2023 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग सभी टीमों ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने अपने मीडिया राइट्स को साल 2023 से लेकर 2027 तक 48,390 करोड़ रुपए में बेचे हैं। इसमें से डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 ने 20,500 रुपए में खरीदे थे। वायाकॉम 18 ने कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि साल 2023 का आईपीएल उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त दिखाए जाएंगे। फैंस के लिए यह तो एक अच्छी खबर है, लेकिन अब आईपीएल के हर एक मैच के लिए आपको पहले से मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आईपीएल 2023 के लिए कुछ दिन पहले आई एक खबर से फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। इस साल से आप 4,000 में भी आईपीएल का मज़ा ले सकेंगे। आईपीएल में एक मैच की अवधि औसतन 3.5 घंटे होती है और एक मैच को एचडी में स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक डेटा 3.6 GB की ज़रूरत होगी। वहीं एचडी में स्ट्रीम करने के लिए 10.6 GB और 4,000 रेजोल्यूशन के लिए 26.6 GB तक का खर्च करने की ज़रूरत होगी। TRAI के अनुसार भारत में प्रति GB लागत 10 रुपये है, जिसका मतलब है कि एक दर्शक को IPL के मैच को स्ट्रीम करने के लिए 35 रुपये से 260 रुपये के बीच कुछ भी भुगतान करना होगा। और यदि एक दर्शक को IPL के 10 मैचों को स्ट्रीम करना है, डेटा की लागत 350 रुपये से 2600 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब आप प्रति मैच पैसे खर्च कर रहे हैं। आईपीएल 2023 का आयोजन इस साल 31 मार्च से खेला जाएगा। सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइट्स के बीच होगा। आईपीएल के लिए सभी 10 टीम के बीच नीलामी की जा चुकी है। 31 मार्च से होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। फैंस के चहेते स्टार्स 31 मार्च से लेकर 28 मई तक अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।